मैं मालराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम ट्रांसिलेमेंट्स के कलर और स्पेक्ट्रा के बारे में अध्ययन करेंगे कि संकर धातु संकुल यौगिकों के रंग व स्पेक्ट्रम किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इनके जो रंग पाए जाते हैं वो उसी पोजिशन में होंगे जब इनके स्पेक्ट्रा जो होंगे वो दृश्य क्षेत्र में होंगे। जब कभी भी किसी भी पदार्थ के अणु या परमाणु या आयन द्वारा प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करने पर वह रंगीन दिखाई देते हैं। संकर धातुओं के संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या हम कर सकते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है इसका DD संकरण और दूसरा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। तो आज हम DD संकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। संकरण के बारे में तो इनमें क्या होता है कि जो डी कक्षक होते हैं इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनके अंदर, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है प्रकाश दृश्य क्षेत्र होता है उसमें विकिरणों का अवसरण होता है, इसके कारण से वो हायर एनर्जी में जाते हैं और फिर वापस जो ऊर्जा वो देते हैं वो दृश्य क्षेत्र में होता है, इस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं। अर्थात DD संकरण को हम इस प्रकार समझते, वे धातु आयन जिनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करते हैं, फलस्वरूप रंगीन दिखाई देते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त पदार्थ प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करता है जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों से AG कक्षकों में स्थानांतरित हो जाता है। इसको हम कहते हैं DD संक्रमण। और इसमें क्या होता है कि जब इसकी स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल में दो प्रकार के कक्षक होते हैं, T2G और EG टाइप। T2G होते हैं वो नॉन एक्जाइल कक्षक हैं और ये एक्जाइल कक्षक हैं EG कक्षक। तो EG हायर एनर्जी के होते हैं, T2G लोअर एनर्जी होते हैं, क्योंकि T2G में इनकी लॉब्स जो होती हैं ऑर्बिटल्स की वो बिटवीन द एक्सिस होती हैं और EG में इनकी एक्सिस होती हैं वो अलोंग द एक्सिस होती हैं इनकी लॉब्स, इस कारण से ये हायर एनर्जी होते हैं, इसमें रिपल्सन अधिकतम होता है। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में जब स्प्लिटिंग होगी तो वो T2G में रहेगा और फिर उसके अंदर जब उसको प्रकाश क्षेत्र में एनर्जी या रेडिएशन दी जाएगी विकिरण तो वो हायर एनर्जी EG में चला जाएगा और EG से फिर जो अवशोषित कर रहा है उसका संपूरक कम्प्लीमेंट्री जो कलर होता है वो उसमें देगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो टाइटेनियम S2O6 3+ का एक संकुल है, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में कि संकुल DD संकरण के कारण या क्या हो रहा है। तो संकुल DD संकरण में होता है इसमें तो इसका कलर बैंगनी प्राप्त होता है। तो आगे हम देखेंगे इसमें कि जो टाइटेनियम है वो 3+ ऑक्सीजन अवस्था में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है इसके पास में और वो डी कक्षक होता है, यानी कि 3D1 होता है टाइटेनियम 3+। तो इस कारण से जब नॉर्मल पोजीशन में T2G साथ में डी कक्षक होते हैं और इसके पास में तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, लेकिन बाद में जब स्प्लिटिंग होती है इसमें तो T2G EG, तो सामान्य अवस्था में ये T2G में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, EG खाली रहेगा। तो इसमें एबसेंट और लाइट हो उस पोजिशन में ये है। जब इसका DD ट्रांजिशन किया जाता है तो 500 nm के पास रेडिएशन चाहिए इसको, तो ये स्प्लिटिंग होकर इसमें इलेक्ट्रॉन T2G से EG में चला जाता है जब इस पर लाइट सप्लाई की जाती है, तो ये 500 nm का होता है। तो इस कारण से जब ये कलर होता है इसका वापस दिखाई देता है एब्जॉर्बेशन के कारण जो देहरीय होता है इसका, तो वो होता है बैंगनी कलर। अब इसमें हम कई चीज़ें हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे स्कैंडियम 3+ है या टाइटेनियम 4+ है वो रंगहीन क्यों होते हैं। ये रंगीन होने का कारण ये होता है कि इनके अंदर जो डी ऑर्बिटल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी D0 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब DD ट्रांजिशन होगा ही नहीं तो उसमें ये रंगहीन दिखाई देंगे। इसी प्रकार ऐसे कुछ ऑर्बिटल्स हैं जैसे मैग्नीज +2 और फेरस 3+ जो हल्के रंग के दिखाई देते हैं। इसका रीज़न ये है कि इनके अंदर सभी में हाफ फील्ड भरा हुआ होता है, मैग्नीज +2 और फेरस 3+, इसमें D5 होता है। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, EG में
टू इलेक्ट्रॉन होंगे नॉर्मल में एब्सेंट ऑफ लाइट की पोजीशन में, तो ऐसी स्थिति के अंदर सभी एक एक इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। जब उसको एनर्जी दी जाएगी या रेडिएशन उस पर डाली जाएगी तो उस पोजीशन में वो जब टी टू जी ई जी में जाएगा तो ई जी में वहाँ पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो इसके लिए उसका जो कलर होता है तो ये संभावनाएँ कम होती हैं, इस कारण से इसके कलर हल्के दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो हम देखते हैं कॉपर है प्लस वन, ए जी प्लस वन, ए यू प्लस वन जो एक ही वर्ग के हैं, और उसके साथ में जिंक प्लस वन टू सॉरी जिंक प्लस टू, ये भी रंगहीन दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है कि जब इसको आप इलेक्ट्रोनेस देखते हैं तो इनका भी डी टेन होता है, यानी कि बाह्य कक्षक कंप्लीट भरा हुआ डी कक्षक, तो इस कारण से इसमें डी टी ट्रांजिशन नहीं पाया जाता, डी टी ट्रांजिशन नहीं होता, तो इस कारण से इनमें को भी रंगहीन होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। इसका इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ट्रांजिशन डी टी ट्रांजिशन हमने देखा उसमें जैसे ही हम स्टार्टिंग में देखा कि हमने डी डी ट्रांजिशन में क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तभी डी डी ट्रांजिशन होगा, और डी डी ट्रांजिशन जो अवशोषित करेगा उसका सप्लीमेंट्री कलर वो दिखाई देगा। जैसे हमने टाइटेनियम का एग्जांपल लिया, टाइटेनियम थ्री प्लस जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ जल के साथ में, तो ये ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्स है एक प्रकार का, और इसमें टी टू जी से ई जी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जब इस पर लाइट डाली जा रही है या रेडिएशन डाली जा रही है 500 एनएम की, तो यहाँ डीडी ट्रांजिशन होता है, इस कारण इसका बैंगनी कलर जो सप्लीमेंट्री कलर है वो दिखाई देता है। इसके अलावा अन्य एग्जांपल भी लेके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और कैसा कंपाउंड है, कैसा क्षेत्र है, इस पर उसकी जो कलर डिपेंड करते हैं, स्पेक्ट्रा और कलर उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करते हैं। ओके, थैंक यू।